नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। कैसे फल देता है गज केसरी योग? गज केसरी योग के विषय में ये मान्यता है कि यह योग व्यक्ति को गज के समान स्वर्ण देने की संभावनाएं देता है। राजयोगों व धन योगों के बाद इस योग के फलों का विचार किया जाता है। गज केसरी योग जब पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति की कुंडली में बन रहा हो तो व्यक्ति को गुरु व चंद्र की दशा अंतरदशा में इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अन्य प्रसिद्ध योग सभी के लिए एक समान फल नहीं देते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति को गजकेसरी योग धनवान व प्रसिद्धि देता है तो दूसरे को इसके फल सामान्य से भी कम प्राप्त होते हैं। योग के फल भाव, ग्रहों, राशियों व इस योग में युक्त गुरु व चंद्र की स्थिति से प्रभावित होते हैं। गजकेसरी योग में गज यानी हाथी व केसरी यानी शेर दोनों ही जानवर प्रकृति से सबसे प्रभावशाली व शक्तिशाली हैं। गज केसरी योग के फलस्वरूप व्यक्ति योग्य, कुशल, राजसी सुखों को भोगने वाला, जीवन में उच्च पद, अति बुद्धिशाली व भाषण में निपुण होता है। गज अर्थात हाथी को बुद्धिमत्ता व ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। गज अर्थात हाथी में अपनी योग्यता का अभिमान नहीं होता है, उसे अपनी ताकत को समझ बूझ कर प्रयोग करना आता है। यह योग व्यक्ति को यशस्वी व कुशाग्र बुद्धि वाला बनाता है। गज केसरी योग के कारण व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है। गज समान धन प्राप्ति योग। सभी ग्रहों में गुरु को धन का कारक ग्रह कहा जाता है। चंद्र भी तरल धन के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि यह माना जाता है कि यह योग उत्तम रूप में बने तो व्यक्ति को गज के समान धन प्राप्त होने की संभावनाएं देता है। अर्थात इस योग के फलस्वरूप व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। गज केसरी हाथी और सिंह की योग्यताएं। यह योग हाथी व शेर के संयोग से बनता है, इसलिए इस योग का व्यक्ति सिंह के समान अपने शत्रुओं को हराने वाला, शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखने वाला, परिपक्व वाणी, सभाओं में उच्च पद, आधिकारिक शक्तियां पाने वाला, चतुर बुद्धि व नियोजन करने के बाद कार्य करने वाला बनाता है। चूंकि यह योग गुरु से बन रहा है, इसलिए व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। गज केसरी योग के फल व्यवसायिक क्षेत्र में। गुरु व चंद्र यह योग जिन भावों में स्थित होकर बना रहे होते हैं, व्यक्ति को उन भावों के फल शुभ रूप में प्राप्त होते हैं। गज केसरी योग जब चतुर्थ व दशम भाव में बनता है तो व्यक्ति के अपने कार्यक्षेत्र में उच्च स्थान, उच्चाधिकार व यश प्राप्त करने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसे में चंद्र अकेला नहीं होगा तथा अशुभ माने जाने वाले केम द्रुम योग का निर्माण नहीं हो रहा है। जब कुंडली में चंद्र किसी अशुभ योग में शामिल न हो तो गज केसरी योग अपने पूर्ण फल देता है। इसलिए जब गुरु या चंद्र दोनों में से कोई उच्च का बली होकर गजकेसरी योग बना रहा हो तथा केमद्रुम योग भी कुंडली में बन रहा हो, पीड़ित चंद्र अपने फल नहीं दे पाता है। राशियों में गजकेसरी योग किस प्रकार के फल देता है? गुरु से चंद्र का केंद्र में स्थित होना व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग बनाता है। गजकेसरी योग प्रसिद्ध धन योगों में से एक योग है। गज केसरी योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, उस व्यक्ति के धन, सुख, यश व योग्यता में वृद्धि होती है। इसकी शुभता से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बल प्राप्त होता है तथा ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल होता है। विद्वता, शक्ति, अधिकार व बुद्धि, इन सभी गुणों की प्राप्ति की संभावनाएं भी यह योग बनाता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।